दिल्ली में नए साल के मौके पर जहां सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही, वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाई। दिल्ली में कई लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में पकड़ा गया और जुर्माना भी लगाया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता पुलकित नागरनी। नए साल की शुरुआत के मौके पर दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी चारों तरफ दिखाई दी। वजह साफ थी कि नए साल में जश्न का माहौल होता है, ऐसे में कोई दुर्घटना ना घट जाए उसी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस तमाम जगहों पर मुस्तैद रही। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गीता कॉलोनी इलाके की है और हर साल देखा जाता है कि जश्न के दौरान बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से, शराब पीने की वजह से बहुत ज्यादा हादसे होते हैं। उन्हीं तमाम चीजों को रोकने के लिए इस बार दिल्ली पुलिस ने काफी सख्ती की हुई थी। तमाम जिले जितने भी हैं उनमें उनकी तमाम जो पुलिस स्टेशन है सभी को अलर्ट पर रखा गया था और ये कहा गया था कि आसपास के इलाकों में चेकिंग रहेगी। उसी को देखते हुए जितने भी वाहन इन इलाकों से गुजर रहे थे उनकी चेकिंग की जा रही थी। कोशिश ये की जा रही थी कि कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ ना हो, ऐसे लोगों के लिए लगातार दिल्ली पुलिस मुहिम चला रही थी और ये मैसेज भी लगातार दिए जा रहे थे कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि हर साल नए साल के मौके पर शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से काफी दुर्घटनाएं होती हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन गाड़ियों को रोका जा रहा है और उसके बाद में ये देखा जा रहा है कि गाड़ी के अंदर कोई शराब ना पी रहा हो या फिर शराब पीकर गाड़ी ना चला रहा हो। उधर मुंबई के लोगों ने नए साल का जश्न कैसे मनाया आप भी देखिए। 2018 को लोगों ने बाय बाय कर दिया, 2019 का वेलकम मेरे आगाज मुंबई में हो चुका है, तो देश भर में हो चुका है। तो देख सकते हैं कि मुंबई के जुहू चौपाटी पर नया साल का जश्न कैसे लोग मना रहे हैं। यहाँ पर 2019 शुरू होते ही यहाँ पर लोग जुहू चौपाटी भारी संख्या में लोग मौजूद है, यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। बहुत अद्भुत जो दृश्य देखने को मिलता है जुहू चौपाटी में, भारी संख्या में लोग दूर दूर से चलकर खुले आसमान के नीचे यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। पुलिस की भारी मौजूदगी है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो, इसके मद्देनजर लोग नाच गा रहे हैं, यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। जो लोग बड़े बड़े होटलों में पब में नहीं रहते तो आम आदमी का रहते हैं, आम आदमी का यह जुहू चौपाटी और खास तौर से यहाँ पर लोग भारी संख्या में लोग जश्न मना रहे हैं और यही वजह है कि जुहू चौपाटी और दूसरे भी मुंबई के और भी जितने इलाके हैं सभी जगहों पर भारी संख्या में लोग इसी तरीके से जश्न और नाच गाने कर रहे हैं। मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर से, मुझे बहुत खुशी मिला मुंबई में आकर के। मैं जुहू चौपाटी में नया साल मना रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान वाले भाई को हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सर, मैं मधुबनी जिला घोड़िया में पिछली पट्टी गाँव से हूँ, मेरा नाम बबलू कुमार यादव है। मैं पूरी इंडिया को दिल से हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ और सभी जुबे हम लोग भी झूम रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। 2019 सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं भी बिहार मधुबनी जिला से बोल रहा हूँ सर, और इस मुंबई शहर में मैंने आया और इस जुहू चौपाटी में आया थोड़ा रोमांच लेने के लिए 2019 में, और मैंने देखा कुछ मीडिया वालों को तो मैंने पूछा यहाँ पे क्या हैप्पी न्यू ईयर 2019 को। हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। देख रहे हैं जो दृश्य है वह वास्तव में अद्भुत होता है, क्योंकि यही वजह है कि मुंबई जो कहते हैं कभी सोती नहीं है माया नगरी, और यहाँ पर इस माया नगरी में आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार लोग यहाँ पर जुहू चौपाटी पर खुले आसमान के नीचे यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और नया साल 2019 का आगाज हो चुका है, वेलकम स्वागत कर दिया है मुंबई के जुहू चौपाटी पर। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। गुड मॉर्निंग इंडिया में आगे हमारी खास पेशकश वाह वाह।